अहम खबर देंगे आपको। पीपी 168 का मार्का, नून और जुनून आमने सामने। पोलिंग जारी है, पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की तादाद इंतहाई कम है। पोलिंग सुस्त रवि का शिकार, जबकि पीटीआई के मलिक असद खोकर नून लीग के राणा खालिद कादरी के मद्दे मुकाबिल हैं। अपडेट्स लेंगे दानियाल राठौर से। दानियाल बताइएगा, मुकामी सतह पर तो आज छुट्टी है, उसके बावजूद वोटर्स घरों से नहीं निकले? उतार नजर आया है जिमनी इलेक्शन के अंदर, और आज पूरे अंदर बहुत से लोगों को ये भी मालूम नहीं है कि लाहौर के एक अहम हलके के अंदर आज इलेक्शन है। नून और जुनून एक दफा फिर से मद्दे मुकाबिल है। पीपी 168 में आज जिमनी इलेक्शन है। ख्वाजा साद रफीक की खाली करदा नशिस्त पर मैदान जो है सज चुका है, और मकामी जो सतह पर जो है छुट्टी भी दी गई है, और फिर भी लोगों की जो तादाद है यही लग रहा है कि टर्न आउट भी शायद खासा कम नजर आएगा, जो 25 से 32 या 33 फीसद तक रहने का इम्कान है। वहीं पर सुस्त रवि हमें देखने को नजर आ रही है। पोलिंग का वक्त तो बिला तातुल सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे तक ये वोटिंग का अमल जारी रहेगा। मलिक असद अली खोकर जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, और राणा खालिद कादरी जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, इनके समेत जो है कुल 11 जो है उम्मीदवार हैं, आपस में मद्दे मुकाबिल हैं। कांटेदार मुकाबला नून और जुनून के सामने ही देखा जाएगा। अगर वोटों की बात की जाए तो इस हलके के अंदर कुल जो है 1,26,912 वोट हैं। पीपी 168 के इलाके में छुट्टी होने के बावजूद वोटर्स की इंतहाई कम तादाद जो है वो पोलिंग स्टेशन तक पहुंच रही है। शुक्रिया दानियाल राठौर।